नमस्कार, मैं हूं नेहा। आप देख रहे हैं डेनकाशी न्यूज। आइए नजर डालते हैं शहर की तमाम खबरों पर। सूबे की सपा सरकार पर हिला हवाली का आरोप लगाते हुए वकीलों ने किया कार्य बहिष्कार। डीएम और कमिश्नर कार्यालय का घेराव कर सौंपा ज्ञापन। मरई गांव में बन जैसी वस्तु की मिलने से फैली सनसनी। एंटी रेडिएशन पैक लिखा देख ग्रामीण दहशत में। शहर में मेट्रो शुरू करने की कवायद हुई तेज। राइट्स के तकनीकी विशेषज्ञों ने की कमिश्नर संग बैठक। कमच्छा क्षेत्र में राम भरोसे टिका बिजली का खंभा। बयां कर रहा है बिजली विभाग की लापरवाही। कभी भी घट सकती है बड़ी दुर्घटना। और होली के 7 दिन पहले सजे बनारस के बाजार। मार्केट में तरह तरह की पिचकारियों की है धूम। परमानंदपुर स्थित अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि कमलेश गुप्ता द्वारा गुब्बारे उड़ाने से उद्घाटित शिविर के दौरान छात्राओं ने यातायात नियमों के साथ गाड़ी चलाने का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। इसी कड़ी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। कॉलेज की प्राचार्या डॉक्टर संध्या अग्रवाल ने शिविर के विषय में विस्तार से बताया। इस मौके पर रितेश श्रीवास्तव, चंदन कुमार सहित बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद रहीं। आज जो है वो होंडा की तरफ से रंगोली और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कल से ये कार्यक्रम इनका शुरू था, जिसमें इन लोगों ने विविध जो है ट्रैफिक नियम के बारे में छात्राओं को जानकारी दी। और आज जो है प्रतियोगिता, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान की छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं ताज़ातरीन खबरों के साथ। देखते रहिए डेनकाशी न्यूज़। नमस्कार।